फ्रेश हो जाओ मैं। शरण, यही मौका है। सब पूजा के लिए गार्डन में जा रहे हैं। चुपचाप अपना सामान बांधो और चलो अपने घर। शरण्या, जल्दी करो, निकलो यहां से। चलो, ये क्या कर रही हो? पैकिंग क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों? शरण्या, ये लोग ठीक नहीं है। तुम इनसे जितना जल्दी दूर हो जाओ उतना अच्छा है। दूर हो जाऊंगी तो नहीं जान पाऊंगी कि मेरे प्यार को मुझसे दूर किसने किया है। और जब तक तुम्हारे कातिलों को ढूंढ के उन्हें सजा नहीं दिलवा देती, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। शरण्या, पागल मत बनो। शरण्या, मेरी बात सुनो। शरण्या, यहां पे तुम्हारी जान को खतरा है, तुम समझ नहीं रही क्या? शरण्या, लिसन टू मी, गॉड डैम इट। और जो मेरे प्यार के लिए तुमने अपनी जान गवा दी, उसका क्या? क्या मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती? शरण्या, यहाँ पे बात हमारे प्यार की नहीं, तुम्हारी सेफ्टी की है। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी जान को खतरा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से, बस। चिल्लाकर मेरा फैसला बदलने वाली आदत नहीं छोड़ोगे ना तुम? मुझसे इज्जत करके मेरी बात ना मानने की आदत तुम नहीं छोड़ोगी ना? शिव, इतना कमजोर समझते हो तुम मुझे? इतनी छोटी हूं मैं तुम्हारे सामने। तुम मौत से लड़कर मेरे लिए वापस आ गए और मैं अपनी जान बचाने के लिए डरती रहूंगी? नहीं, इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं। तुम प्यार की हर कसौटी पर खरे उतरे और मैं तुम्हारे कातिलों को ऐसे खुला घूमने दूंगी? नहीं शिव, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। शिव, तुम्हारे कातिलों को सजा दिलवा के ही रहूंगी। मुझे पता है तुम्हारे कातिल इसी घर में, वो कौन है बस ये ढूंढना है। सवाल इतना है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? अकेला छोड़ के तो तुम चले ही गए हो, अकेले लड़ भी लूंगी, लेकिन ये कदम जो आगे बढ़े हैं वो ना ही थकेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। फाइन, उस आदमी के पैर पे एक दाग है। दाग? तुम्हारे पति की जान को खतरा हो सकता है एक ऐसे आदमी से जिसके दाहिने पैर पर निशान है, जन्म से मौजूद निशान। तो
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताता तो अब तक तुम उसे ढूंढने निकल जाती। ढूंढने तो अब भी जाऊंगी शिव, मेरे सामने रुकावटें डालने के बजाय मेरी हेल्प कर। जिसने भी मेरे प्यार को मुझसे दूर किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ही नहीं सजा दिलवा के ही रहूंगी, फिर चाहे वो व्योम ही क्यों ना। शरण्या, मुझे लगता है कि मेरा कातिल व्योम की फैमिली का मेंबर है। शरण्या, याद है कॉलेज में व्योम की जैसे गाड़ी थी? यूनिक नंबर था उस गाड़ी का, 8888। मरने से पहले मैंने उस गाड़ी को उसी जगह देखा था। तुम यही रुको, मैं आता हूं। संभालो अपने आप को, सब ठीक होगा। भाभी और नहीं होता है। मैं समझ सकती हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। हो सकता है व्योम ही वो इंसान हो जिसके हाथ तुम्हारे खून से रंगे हैं शिव। बस इतना कहूंगी कि थोड़ा हौसला रखो, एंड आई एम श्योर कि विद्युत जहां कहीं भी है सही सलामत वापस आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो जरूर वापस आएगा। और आज के दिन तुम विद्युत की तस्वीर देखकर अपना व्रत तोड़ लो। झूठा दिलासा दे रहे हो उसे, जाओ रति को बोल दो कि विद्युत अब कभी घर नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? उस दिन वेयरहाउस में उसे किसी ने मार दिया शरण्या। ये काम उसी का था जिसने मुझे मारा है, क्योंकि विद्युत उस दिन तुम्हें एक ऐसा लेटर देने वाला था जिसमें हमारे अतीत के बारे में काफी कुछ लिखा था। तुमने उसकी शक्ल देखी? नहीं देख पाया, मैंने तो बस उसकी बॉडी को। तुम बस रति को जाके बता दो कि वो वापस नहीं आने वाला। व्योम बेटा, पानी लेकर आना।
थोड़ा पानी पी लो। नहीं प्लीज, नहीं नहीं, थोड़ा नहीं, सा तो पी लो। नहीं भाभी, मैं कैसे विद्युत की लंबी उम्र की दुआ करूं? मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो है कहाँ, ठीक है या नहीं। चाची, चाची, विद्युत चाचू को कुछ नहीं हुआ है। और आप करवा चौथ का व्रत उनकी फोटो देख के तोड़ लीजिए। सॉरी चाची, मैं भी आपको झूठा दिलासा दे रही हूँ। करवा चौथ के दिन विद्युत चाचू की मौत की खबर सुनाकर आपको टूटता नहीं देख सकती। और अगर मैंने ये बात बताई तो शिव का खूनी भी अलर्ट हो जाएगा। वो जरूर वापस आएंगे। नहीं बेबी, वो कमीना कभी वापस नहीं आएगा। जिसने तुम्हें छूने का ख्वाब देखा उससे उसकी सांसें छीन ली मैंने। जिसने तुम्हें पाने की हसरत रखी उसकी जिंदगी छीन कर उसे मौत के आगोश में सुला दिया। मेरी शरण्या पर गंदी नजर डाली तूने, इन आंखों से देखा था तूने। तेरा पूरा शरीर इस केमिकल में गल जाएगा, गंदी नाली के कीड़े की तरह नाली में ही बह जाएगा तू। किसी को तेरा पता भी नहीं चलेगा कि तू कहां गया और कहां था। मेरा प्यार ऐसा ही है, थोड़ा सा नटखट, थोड़ा सा पगला और पूरा दीवाना। मैं व्योम के हाथों यह करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगी। अब मैं तो तुम्हारा व्रत खोल नहीं सकता ना शरण्या। एक रिश्ता जोड़ा था जिंदगी में और वो भी मौत ने जो हाथ था मैं तुम्हारा साथ ही छूट गया। शरण्या चलो पूजा कर लो। चलो ना, कहाँ लेके जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम है यार। चलो मेरे साथ, क्योंकि काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। ये क्या है? वहां देखो। चांद क्या हो?
लो हो गया मेरा व्रत पूरा। इन खारे आंसुओं ने मेरी जिंदगी में मिठास भर दी। मरते दम तक मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, शिव की शरण में। शरण्य का शरण। हाथों की लकीर भी कितनी अजीब है ना शरण्या, मुट्ठी में आती है काबू में नहीं। पहले तो अकेले रहने की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन अब तुमसे जुदाई का डर है। पता नहीं कि मैं इतना प्यार डिजर्व भी करता हूँ या नहीं। कहाँ देख रही हैं आप? आपका चांद तो इधर है। शरण्या, अब तुम्हें अपने ही कीमती आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्ही ने कहा ना कि अब सब ठीक हो गया, तो बस अब पानी पियो और व्रत तोड़ो। क्या हुआ, पानी पियो। मैं व्योम के हाथों या करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.